हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस इन एच डी एस जी। आज मैं आप लोगों को क्लास यूकेजी का मैथ बताऊंगी, जिसमें से आप लोगों का पॉइंट है मिसिंग नंबर। क्या है मिसिंग नंबर? मिसिंग नंबर का मतलब होता है जो नंबर खो गया हो या वो नंबर दिया हुआ ही ना हो। ठीक है, मिसिंग नंबर का मतलब होता है खोया हुआ नंबर। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप लोगों का कोई नंबर दिया हुआ है, मान लीजिए 4 दिया हुआ है और 6 दिया हुआ है। ठीक है ना, बीच में कौन सा नंबर नहीं है, कौन सा नंबर मिसिंग है? ठीक है, कौन सा नंबर मिसिंग है? जैसे कि आप लोगों को काउंटिंग आते होंगे, ठीक है, काउंटिंग आते हैं ना। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक ना, ये हमारा 1 to 10 तक क्या है, काउंटिंग नंबर। तो यहाँ पे क्या दिया है, 4 है और यहाँ पे 6 है। तो हमें आप लिखेंगे यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 6 है, लेकिन कौन सा नंबर यहाँ पे मिसिंग है, कौन सा नंबर मिसिंग है? 5। हम देखेंगे 4 और 6 के बीच में कौन सा नंबर है। ठीक है, 4 और 6 के बीच में कौन सा नंबर है? दिख रहा है 5 है, और यहाँ पे क्या है, 5 क्या है, मिसिंग है। ठीक है, 5 यहाँ पे क्या है, मिसिंग है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। ठीक है, क्या लिख देंगे यहाँ पे, हम 5 लिख देंगे। हमारा मिसिंग नंबर हमें प्राप्त हो जाएगा, हमें मालूम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए कोई दूसरा नंबर दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है और 10 दिया हुआ है। ठीक है, बीच में क्या है, गैप है आपका। हम देखेंगे 8 और 10 के बीच में कौन सा नंबर मिसिंग है, फिर हम काउंटिंग करेंगे, फिर हम यहाँ पे देखेंगे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 दिया हुआ है, हम देखेंगे 8 दिया हुआ है, 9 देखेंगे कि 9 दिया हुआ है हमारा, तो 9 यहाँ पे देखेंगे तो 9 यहाँ पे नहीं है। फिर देखेंगे 10th, तो क्या हुआ है, 10th दिया हुआ है। ठीक है, तो 8 और 10 के बीच में कौन सा नंबर आया आपका, 9th आया। तो 9th नंबर हमारा क्या है, मिसिंग है। हम क्या आप लिख देंगे, 9th लिख देंगे। तो हमारा मिसिंग नंबर हमें प्राप्त हो जाएगा, हमें मालूम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही कोई भी संख्या दी हुई, कोई भी नंबर दिया हुआ हो, हम देखेंगे कि हम काउंटिंग सबसे पहले करेंगे, उस मिसिंग नंबर का पता लगाने के लिए सबसे पहले हम काउंटिंग करेंगे, और जो नंबर दिया हुआ है और जो उनके कौन सा नंबर नहीं दिया हुआ है, क्या करेंगे, हम वहाँ पर उसको लिख लेंगे, तो हमारा मिसिंग नंबर प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि आप लोग फिर से समझिए, ये हमारा क्या है, बटरफ्लाई है। ठीक है, बटरफ्लाई है। तो मान लेते हैं जो हमारा मिसिंग नंबर है उसको हमको कहाँ लिखना है, बीच में लिखना है। ठीक है, कहाँ लिखना है, बीच में लिखना है। मान लेते हैं 11th है और ये क्या है, 13th है। ऐसे इसको मान ले रहे हैं क्या है, 9th है और ये क्या है, 11th है। इसको मान ले रहे हैं 20 और इसको 22। ठीक है, तो क्या करना है, हमें मिसिंग नंबर प्राप्त करना है। क्या करना है, मिसिंग नंबर प्राप्त करना है। तो हमको काउंटिंग आता ही है, 1 to 100 तक काउंटिंग आता ही हमें। हम क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पे 11th है, तो क्या करेंगे, 11th के बाद क्या आता है, 12 आता है। ठीक है, 12 के बाद क्या आता है, 13 आता है। तो हम देखेंगे 11th भी दिया हुआ है, 13 भी दिया है, लेकिन क्या नहीं दिया हुआ है, 12 नहीं दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 12 लिख लेंगे, और इस तरह से क्या हो जाएगा, हमारा मिसिंग नंबर हमें मालूम हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी है 9th है और क्या है, 11th है। फिर हम काउंटिंग करेंगे 9, 10, 11। ठीक है, 9, 10, 11। तो देख रहे हैं 9 दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है, लेकिन क्या नहीं दिया हुआ है, 10 नहीं दिया हुआ है। तो 10 हमारा क्या है, मिस है। हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे इसको, 10 लिख लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, मिसिंग नंबर हमें प्राप्त हो जाएगा।
फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं 20 है, फिर क्या है 22 है, फिर काउंटिंग करेंगे 20 है 20, वैसे क्या था 21 आता है 22 आता है, तो 20 भी दिया हुआ है 22 भी दिया हुआ है, लेकिन क्या नहीं दिया हुआ है 21 नहीं दिया हुआ है, तो क्या हमारा 21 क्या है मिसिंग है, हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 21 लिख देंगे। इस तरह से हम क्या करेंगे मिसिंग वाले नंबर पता करके उसको हम कंप्लीट करेंगे। फिर है आप लोगों का एक एग्जांपल और देखिए आप लोग, जैसे कि मान लेते हैं यह फुल फ्लावर है, ठीक है। आप लोग अगर इस तरह से दिया हुआ है, देख रहे हैं हमारा 7 नंबर दिया हुआ है, 10 नंबर दिया हुआ है, और हमें क्या करना है मिसिंग नंबर प्राप्त करना है, ठीक है, मिसिंग नंबर में लाना है यहाँ पे, ठीक है। आप देख रहे हैं 7 है, ठीक है, क्या है 7 है, तो 7 है तो हमें क्या करना है, क्या लिखना है हमको मिसिंग नंबर लिखना है, तो हम देखेंगे 7 है इधर है ना, तो पहले यहाँ पर हमको क्या करना है लिखना है, तो 7 है तो क्या होगा 6 आएगा, 6 7 हम भी काउंटिंग करेंगे तो 6 7, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 6 लिख देंगे, ठीक है, काउंटिंग करेंगे ना, 6 के बाद ही तो 7 आता है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 6 लिख देंगे। अब फिर देखेंगे 10 दिया हुआ है, अब देखेंगे 10 दिया हुआ है और यहाँ पर हमारा जो नंबर है वो क्या है मिसिंग है, नंबर क्या है यहाँ पे मिसिंग है, फिर हम क्या करेंगे काउंटिंग करेंगे, तो फिर काउंटिंग करेंगे 9 आएगा फिर 10 आएगा, तो 10 दिया हुआ है 9 नहीं दिया हुआ, तो 9 हमारा क्या है मिसिंग है, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे 9 लिख लेंगे और हम अपनी मिसिंग संख्या क्या करेंगे प्राप्त कर लेंगे। फिर यहाँ पे देख रहे हैं 13 है, ठीक है, और यहाँ पे नंबर क्या है मिसिंग है, फिर हम क्या करेंगे काउंटिंग करेंगे, तो 12 के बाद क्या आता है 13 आता है, ठीक है, 12 के बाद क्या आता है 13 आता है, तो हम क्या लिख लेंगे 12 लिख लेंगे। फिर हमारा है 16 है, ठीक है, 16 है तो फिर काउंटिंग करेंगे, ठीक है, तो 15 के बाद ही तो 16 आता है, तो फिर काउंटिंग करने के बाद हमें क्या प्राप्त हुआ 15 प्राप्त हुआ, हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 15 लिख देंगे। फिर हमारा है 12 है, फिर हम क्या करेंगे काउंटिंग करेंगे, ठीक है, फिर काउंटिंग करेंगे तो हमें क्या क्या प्राप्त होगा, जैसे 11 के बाद क्या आता है 12 आता है, तो यहाँ पे क्या है हम यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा 11 लिखना पड़ेगा, 11 क्या था हमारा मिसिंग था और हमने काउंटिंग किए हैं तो हमारा मिसिंग नंबर हमको मिल गया है। फिर यहाँ पे है 13 है, फिर काउंटिंग करेंगे तो क्या है 21 के बाद क्या आता है 30 आता है, ठीक है, 21 के बाद 29 के बाद क्या आता है 30 आता है, तो हम क्या यहाँ पे क्या लिख देंगे 29 लिख देंगे, क्योंकि ये नंबर हमारा मिसिंग था लेकिन जब हम काउंटिंग किए तो हमारा मिसिंग नंबर हमें मिल गया है। फिर यहाँ पे 21 है, ठीक है, 21 है, फिर काउंटिंग करेंगे तो क्या आएगा 19 आएगा, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे 19 लिख देंगे, हमारा मिसिंग नंबर हमें प्राप्त हो जाएगा, सॉरी 19 नहीं आता 20, ठीक है, क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, 20 के बाद तो 20 के बाद क्या आता है 21 आता है, ठीक है, अगर यहाँ पे 20 दिया होता तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे 19 लिखते, तब हमारा मिसिंग नंबर हमें प्राप्त हो जाता। फिर क्या है 23 है,
फिर क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे, तो क्या 22 23 22 23, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 22 लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से हम क्या करेंगे, मिसिंग नंबर जो है उसको हम प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन मिसिंग नंबर प्राप्त करने के लिए हमें क्या आनी चाहिए, काउंटिंग आनी चाहिए। ठीक है, क्या आनी चाहिए, काउंटिंग आनी चाहिए। तो आज आप लोगों ने क्या पढ़ा, मिसिंग नंबर पढ़ा। ठीक है, क्या पढ़ा आप लोगों ने, मिसिंग नंबर पढ़ा। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो में मिसिंग नंबर पहचान गए होंगे और उसको प्राप्त कैसे करना है ये भी आप लोग जान गए होंगे। धन्यवाद।